सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की मुलाकात इस श्रृंखला में आज मैं सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से नवल किशोर शर्मा। सीएससी में उत्तर प्रदेश में मैं आधार वर्टिकल देखता हूं। तो आज हम पुनः जिस तरह से हर शनिवार को लाइव सेशन करते हैं, तो आधार से संबंधित सर्विसेज जो सीएससी के माध्यम से दी जाती हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसमें क्या अपडेट्स और क्या चेंजेस हैं तो, और उस पर हम क्यों कैसे और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो उस पर आपके बीच में एक सेशन लेके आए हैं, उस पर आगे हम इस चीज़ को चर्चा करेंगे। पिछले कुछ एक समय से स्पेशली पिछले 2 महीने में काफ़ी एक चेंजेस हुए हैं आधार इको सिस्टम में, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो या फिर आधार एनरोलमेंट प्रोसेस को लेके हो। डॉक्यूमेंट्स भी UIDAI के द्वारा 26 जनवरी 2023 को डॉक्यूमेंट जो हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि आधार एक ऐसी चीज बन गया है आजकल हमारी, जो अगर बात कहें हम हमारी जो लाइफ स्टाइल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि कोई भी सर्विस का हम अगर लाभ ले रहे हो या फिर अपनी जो दिनचर्या में जो भी चीजों में हम जहाँ पे भी मूवमेंट करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं आधार की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कि अपने आप में स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है। तो समय समय पे UIDAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें चेंजेस किए जाते रहते हैं कि कैसे और चीज़ों को हम, चाहे वो सिटीजन की बात करें, रेजिडेंट्स की बात करें, उनके लिए कैसे अच्छा कर पाएं और आधार को मजबूती किस तरह से दे पाएं। उसी बीच डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो गई या प्रोसेसेस हैं उनमें चेंजेस होते हैं। 26 जनवरी 2023 को UIDAI के द्वारा फिर से जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमारे बीएलई भाई या फिर जो आधार ऑपरेटर्स हैं, वो जो UCL पे काम कर रहे हैं या फिर हमारे जो ESK सेंटर्स खुले हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे कि हम न्यू एनरोलमेंट भी करते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो यूज किए जाते हैं, तो उसकी एक नई लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार काफ़ी चेंजेस, जो हम डॉक्यूमेंट्स पहले ले रहे थे तो वो हो सकता है अब डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं ले रहे हैं हम। तो सभी बीएलई भाई ऑपरेटर्स से अनुरोध है कि आप लोग ये चीज़ चेक कर लें कि आज की डेट में जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नई जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। दूसरा बड़ा चेंज हुआ है, अब तक हम लोग जो आधार एनरोलमेंट फॉर्म हुआ करता था जिसके थ्रू हम लोग नया एनरोलमेंट करते हैं या फिर अपडेट का कार्य करते हैं, तो उससे पहले रेजिडेंट को एक एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करना होता है, तो उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। उससे आज से पहले आपने देखा होगा कि एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था एनरोलमेंट फॉर्म जो हुआ करता है, उसको कोई भी रेजिडेंट किसी भी एज ग्रुप का हो, जो भी उसको काम कराना हुआ करता था, चाहे वो नया आधार बनवाने जा रहा हो या अपडेट कराने जा रहा हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड एनरोलमेंट फॉर्म था, उसको हम लोग फिलअप करते थे, करवाते थे अपने रेजिडेंट से। लेकिन अब एज ग्रुप वाइज एनरोलमेंट फॉर्म को कर दिया गया है, 0 से 5 साल के लिए अगर किसी को अपना आधार बनवाना है, कोई भी आधार से रिलेटेड कुछ काम कराना है, 0 से 5 साल के लिए एक एनरोल फॉर्म अलग है, 5 से 18 के लिए अलग है, और 18 से प्लस वाले जो भी आयु वर्ग के लोग रेजिडेंट्स हैं उनको अलग एनरोल फॉर्म भरना है और उसको हमें यूज करना है अपने एनरोलमेंट प्रोसेस करते समय। तो ये तो 2 चीजें आपसे बात हो गई, हमने पहले भी आपको ये सारी चीजें शेयर की हुई है, तो थोड़ा सा मैंने रिव्यू किया इस चीज को कि हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं तो समय समय पे जो अपडेट्स हैं उसको हम लोग आपके बीच में लेके आते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी जानकारी के यहाँ पे हम लोग काम करते रहें और अननेसेसरी जो है हमारा काम जो है वो बाधित हो जाए, और फिर आजकल तो ID सस्पेंशन और उसके साथ में पेनल्टी क्लॉजेस में है, पेनल्टी भी इम्पोज होती है, तो उन सब चीज़ों से अननेसेसरी हमारे को फेस ना करनी पड़े, तो अपनी जानकारी को हम अपडेट करते रहें। तो उसी पर्पज से हम लोग आपके बीच में ट्रेनिंग सेशंस भी करते हैं, BC के माध्यम से करते हैं, फिजिकली ट्रेनिंग्स भी करते हैं, मेल मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और मैं स्पेशली सैटरडे को फेसबुक लाइव सेशन करता ही हूँ जिसमें कि आधार से संबंधित अपडेट्स कि हम अपना काम और आसानी से कैसे कर सकते हैं, अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो मेन सेशन मैंने रखा है फिर से, चूंकि 3 से 4 महीने हो गए अक्टूबर से डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की दोबारा से क्यों जरूरत है रेजिडेंट को, पहले हम उसको समझेंगे। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जितने भी आधार 10 साल से पुराने हो चुके हैं, जिन लोगों ने 10 साल से पहले कभी आधार बनवाया था और आधार बनवाने के बाद में उन्होंने कभी भी अपने आधार में डेमोग्राफिक डिटेल से संबंधित कोई भी चेंजेस नहीं कराए। डेमोग्राफिक डिटेल सभी ऑपरेटर्स अच्छे से समझते हैं, नाम, पता, जन्मतिथि, जो भी उसकी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स होती हैं
उसमें अगर उसने कोई भी चेंजेस नहीं कराया है और उसका आधार बने हुए 10 साल हो चुके हैं, तो ऐसे सभी रेजिडेंट्स को दोबारा से अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों ही अपडेट कराने आवश्यक हैं। अननेसेसरी अगर किसी भी की तरह से कोई भी वो सरकारी स्कीम का लाभ ले रहा है या कुछ है, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में समय में उसको इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी बोला गया है, क्योंकि आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन चुका है जो कि बहुत बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी यूज करते हैं, आइडेंटिटी के साथ में ऑथेंटिकेशन के पर्पज से भी आधार यूज किया जाता है। तो जब इतना बड़े लेवल पे इसका यूज किया जाता है, तो इस डॉक्यूमेंट का अपने आप में ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, अपने आप में इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके बिहाफ जिसके जिस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ये मतलब उसने अपना आधार बनवाया है, तो वो समय समय पे जो उसकी आइडेंटिटी प्रूफ या आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ उसने जब भी आधार बनवाया था, तो उसको यूज मतलब उनका प्रयोग करते ही वो इसका आधार बना होगा। तो ये जरूरी है कि हो सकता है 10 साल में उसके पता या फिर आइडेंटिटी में उसके नाम में कुछ एक चेंजेस हो गए हो, तो उसको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट की जरूरत तो हम बता ही रहे हैं, क्योंकि आधार बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे यूज किया जाता है, तो उसमें डेमोग्राफिक डिटेल्स जो होती हैं, इसीलिए डेमोग्राफिक डिटेल्स जो है आधार में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ एक रेजिडेंट्स हैं जो कि पोस्टिंग वाली जॉब करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं, प्राइवेट जॉब में भी लोग मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, या फिर किसी और पर्पज से हो सकता है उनको मूव करना पड़ा। तो हो सकता है आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे, फिर 5 साल से वो बॉम्बे में जाके अपना पोस्टिंग हो गई, वहां पे सेटल्ड हो गए, उनका मकान बन गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन उन्होंने अपना जो आधार है वो उत्तर प्रदेश का ही रखा। ठीक है, मुंबई में उनका उनका रेजिडेंशियल प्रूफ के रूप में उनकी रजिस्ट्री है, मकान है, बिजली का बिल भी आता है, और भी जो चीजें हैं उनकी वहां पे रेजिडेंशियल के पर्पज से सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन आधार उनका अभी उत्तर प्रदेश का ही चल रहा है। अब इन फ्यूचर अगर कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है मुंबई में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई स्कीम ऐसी लेके आती है जिसमें कि ये रहता है, जैसे कि आपको पता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की जो बात हो रही है, या फिर यूपी गवर्नमेंट अभी रिसेंटली पिछले कुछ एक समय से पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था वन फैमिली वन आईडी, वन फैमिली वन आईडी में भी यही चीज रहेगी कि जो राशन कार्ड होल्डर है, तो राशन कार्ड होल्डर के लिए तो शासनादेश इसके लिए जारी हो चुका है, जो भी राशन कार्ड होल्डर है सारे राशन कार्ड होल्डर जो है अपने आप में जो उनकी फैमिली आईडी है वो राशन कार्ड नंबर ही रहेगा, और जो लोग नॉन राशन कार्ड होल्डर हैं उनको फैमिली आईडी के लिए अप्लाई कराना होगा। जो राशन कार्ड होल्डर हैं उनकी अगर वो फैमिली आईडी है भले ही, लेकिन उनको केवाईसी करानी होगी, उनके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपनी दोबारा से केवाईसी करानी होगी, और वो केवाईसी भी आधार बेस्ड होगी। उनका आधार अगर अपडेटेड नहीं होगा, उनके राशन कार्ड से उनके आधार की डिटेल अगर मैच नहीं हो रही होगी, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि रेजिडेंट अपने जो है आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करा लें, और साथ में अपनी डेमोग्राफिक डिटेल को भी चेक कर लें कि जो उनके और डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका वोटर आईडी है, उनका पैन कार्ड है, उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो एज पर आधार है नहीं है। ये एक्सरसाइज इसीलिए हो रही है कि लोग जो रेजिडेंट थे उन्होंने 10 साल पहले कभी आधार बनवाया, लेकिन उन्हें आधार और सभी चीजों में उनका यूज हो रहा है, उनके बायोमेट्रिक ठीक है, वो बैंक में जाते हैं, उनका काम चल रहा है, लेकिन इन केस अगर इस तरह की सरकारी स्कीम्स का उन्हें इन फ्यूचर लाभ बिना किसी निर्वाध किसी भी रुकावट के लेते रहना है, तो उसके लिए उन्हें अपने आधार में डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेटेड रखना होगा। ऐसा नहीं है जैसे अब वन फैमिली वन आईडी की बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, तो यूपी में जितने भी आधार कार्ड होल्डर हैं, मतलब जिनके आधार कार्ड यूपी के हैं, वही उस फैमिली आईडी का लाभ ले पाएंगे। अब भले ही वो 10 साल से यहाँ पे रह रहे थे यूपी में, उससे पहले महाराष्ट्र में उनकी जॉब थी, महाराष्ट्र के वो 10 साल पहले रहने वाले थे, 10 साल से सेटल्ड हो गए यूपी में आके, और वो चाह रहे हैं कि मेरा भी अब वन फैमिली वन आईडी मेरी बन जाए, तो उनको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा अगर वो अपना आधार यूपी का अपडेटेड नहीं रखेंगे। भले ही उनका यहाँ पे आवास भी है, उनका घर है, उनकी रजिस्ट्री है, उनका वोटर आईडी भी है यहाँ का, उनका हो सकता है सामान्य निवास भी होगा यहाँ का, पैन कार्ड में एड्रेस भले ही नहीं होता, लेकिन पैन कार्ड वगैरह मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके यहाँ के हैं, यूपी के बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने अगर आधार में एड्रेस अपडेट नहीं कराया, तो ऐसे रेजिडेंट्स को वन फैमिली वन आईडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बात हो रही है बार बार
कि डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट रखें। अब इनकेस कुछ रेजिडेंट्स जिन्होंने डेमोग्राफिक डिटेल उनकी अपडेटेड है, भले ही उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैं बात कर रहा था आईडी एड्रेस प्रूफ की, वो डिटेल उनके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही है, लेकिन उन्होंने अपना उनका आधार बना हुआ 10 साल हो गया है, तो ऐसे सभी लोगों को भी अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो सभी लोग अपना डेमोग्राफिक डिटेल अपडेटेड रखें, उनका नाम पता जो भी डिटेल आधार में रहती है वो सारी अपनी अपडेटेड रखें, मोबाइल नंबर को अपना लिंक करा के रखें, जो भी उनका मोबाइल नंबर ऑपरेशनल है जिसपे की ओटीपी आता है, क्योंकि दो तरह से ऑथेंटिकेशन होता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो फिर ओटीपी नहीं आएगा। मोबाइल नंबर के साथ में आजकल तो सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेल आईडी भी सभी रेजिडेंट्स यूज करते ही हैं, तो मेल आईडी, मोबाइल नंबर इस तरह की ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म है, तो उनको अपने आधार में अपडेटेड रखें। ये एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि अगर आधार अपडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है जो इस तरह की जो सर्विसेज या फिर सरकारी स्कीम्स है उनका लाभ लेने से लोगों को वंचित रहना पड़ जाए। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप मैं स्कीम जो सामने देख रही है उससे समझ पाएंगे कि आधार जो है ना, ईज ऑफ लिविंग की बात करें तो आधार जीवन को जीने के लिए आसान बनाने का तरीका है। जीवन को आसान बनाने के लिए आधार में डेमोग्राफिक अपडेट हमेशा अपडेट रखना जरूरी है, ठीक है। अगर हम आधार में डेमोग्राफिक डिटेल्स अपनी अपडेट नहीं रहेंगे तो ये चैलेंजेस फेस करेंगे। हो सकता है बैंक जाएंगे तो वहां पे मैनेजर्स बोलेंगे कि आपके आधार में नाम कुछ और है, स्कूल में जाएंगे तो वहां पे पता लगेगा कि वहां पे डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम में कुछ मिसमैच है, तो इस तरह इसीलिए जो है इसको अपडेट रखना बहुत जरूरी है। सरकारी, अगर हम बात करें सरकारी स्कीम्स की, तो 1100 लगभग सरकारी स्कीम्स हैं जिसपे की आधार यूज होता है, और इनका सक्सेसफुली हम लोगों के लिए आधार के माध्यम से हम तक वो योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है। अब ये बहुत बड़ी फिगर है, हम लोगों को नहीं महसूस होता है, लेकिन सरकार 1100 सरकारी योजनाओं का लाभ हम तक आधार के माध्यम से पहुंचा रही है डायरेक्ट। कुछ जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसमें कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल है हम लोगों के लिए, जो किसान भाई हैं उनके लिए किसान सम्मान निधि आती है, तो किसान सम्मान निधि भी हम लोगों को बिना किसी भी मीडियम के डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आती है, तो वो उसके लिए जो मीडियम है जिसकी वजह से वो आ पा रही है हम तक, तो वो है आधार। इसीलिए कुछ एक जो है कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, तो वहां पे उनके आधार में कुछ ना कुछ इशू रहता है, उनके बैंक अकाउंट से हो सकता है आधार लिंक नहीं है, तो इस तरह के कुछ एक इशूज रहते हैं, तो उस वजह से या कुछ डेटा में मिसमैच होगा तो उनकी किसान सम्मान निधि नहीं आती है, तो फिर वो उसको अपडेट करते हैं। इसीलिए अपने आधार को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, यूपी गवर्नमेंट जो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार वन फैमिली वन आईडी की बात कर रही है, तो उसमें भी यही चीज है कि जो लोगों के आधार यूपी के होंगे और उनका डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा होगा यहाँ के कंडीशन से, तो वो उन्हीं को उनका लाभ मिल पाएगा। आधार जो है हमें बैंक खाते खुलवाने के लिए आसान, मतलब हम जो आधार है उसके बिहाफ पे अपना बैंक खाता आसानी से खुलवा लेते हैं। आधार के थ्रू स्कॉलरशिप, आजकल जो स्कॉलरशिप है वो भी डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके खाते में आती है, तो वो ये सब चीजें जो है वो आधार के वजह से ही वो मुमकिन हो पाई है। इनकम टैक्स रिटर्न, आजकल इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल कर देते हैं हम लोग, ई मतलब ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न हम लोगों को जो है हम भर सकते हैं उसकी, नहीं तो इससे पहले क्या है हमें ऑफिस जो है इनकम टैक्स ऑफिस होते हैं वहां पे चक्कर लगाने पड़ते थे बार बार, वो चीज भी अब ऑनलाइन हो गई है, तो ये हम इसका ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और आधार की वजह से ही ये सारी चीजें मुमकिन हो पाई हैं। तो इसीलिए सभी रेजिडेंट्स और सभी हमारे जो भी ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उनसे अनुरोध है, और विशेषता मैं अपने जो ऑपरेटर्स हमारे आधार यूसीएल बीएलई हैं या हमारे आधार सेवा केंद्र पे काम करने वाले ऑपरेटर्स हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आसपास जो भी रेजिडेंट्स हैं या फिर आपके यहाँ पे जो भी लोग और कुछ काम कराने आते हैं, जैसे कि अगर बात करें हम अपने यूसीएल सेंटर्स की, जो कि हमारे जितने भी सीएससी से जो यूसीएल चला रहे हैं बीएलई भाई, वो कहीं ना कहीं पहले सीएससी सेंटर रन कर रहे थे, उसके बाद उनको बैंकिंग की सर्विसेज मिली होंगी और बैंकिंग के साथ में फिर उनको आधार की सर्विसेज मिल पाई है, और हमारे जितने भी यूसीएल सेंटर्स हैं इसका मतलब वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, मल्टीपल सर्विसेज वो डिलीवर करते हैं, और आप लोग गाँव लेवल पे बैठे हुए हैं, आप लोग जो आपके आस पास के लोग हैं उनको अच्छे से समझते हैं और वो आपको अच्छे से समझते हैं, तो आप इस चीज को जो है उनको समझाने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमें जरूरी है कि हम अपने आप को अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर लें,
हमें ही अगर चीजें नहीं पता होंगी कि इसकी जरूरत क्यों है, तो फिर हम सामने वाले को जो है अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोगों से कई बार हम लोग इन्हें बात करते हैं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों का सीधा ये उधर से उत्तर आता है कि सर लोग आ ही नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं सर हमारा तो आधार में काम चल रहा है तो हम क्यों कराएं। तो आप लोगों को जो है इस जिम्मेदारी को उठाना है, क्योंकि आधार CSE के साथ में जो आधार है वो काफी समय से जुड़ा हुआ है और हमने बहुत अच्छा काम किया है आधार पे। हमने अपने PLE भाइयों के थ्रू ही बहुत अच्छा काम किया है, बड़े नंबर पे हमने नंबर्स किए हैं, ठीक है। तो अभी हमारी बहुत प्राइम जिम्मेदारी बन गई है कि हम डॉक्यूमेंट अपडेट जो सर्विस अभी 4 महीने से हम लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस हुई है, इस पे लोगों को जागरूक करें। जो हम लोगों ने आपको IC मटेरियल जो कि प्रचार प्रसार के लिए आपके बीच में हम लोगों ने पोस्टर बैनर जो आपको शेयर किए हैं, उसको आप बनवाइए, अपने सेंटर पर जरूर लगाइए। जो चीजें मैं आपको स्क्रीन पे ये डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये चीजें हमने सब आपको सर्कुलेट की हुई है, इसकी PDF है, तो आप लोग उनको प्रिंट कर लीजिए, अपने सेंटर पे लगाइए। लोग आएंगे आपके यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि वो आपके यहाँ पे आधार से संबंधित कुछ काम कराने आया है, हो सकता है चूंकि जो CSE सेंटर्स हैं हमारे, हो सकता है आप ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल चलाते हैं तो वहां पे कोई आ जाती निवास से संबंधित कोई काम कराने आया हो, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन का काम भी करते हो, स्कॉलरशिप के लिए किसी का ऑनलाइन किया हो, तो बच्चे आएंगे तो वो देखेंगे इस चीज को कि अरे मेरा तो जो आधार है उसमें डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ और भी चीजें हैं वो मिस्टेक है, और यहाँ पे तो लिखा है कि अपडेटेड रहनी चाहिए, और हो सकता है अगर अपडेटेड नहीं है तो ये चीजें जो मैं स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करा रहा हूँ या फिर मैं अपना आजाती निवास बनवाया हूँ जहाँ पे भी लगाने जाऊँगा, तो हो सकता है वहाँ पे उसका बेनिफिट ना मिल पाए। तो आप उसको जो है कन्विंस कर सकते हैं कि आपने ये काम तो करा लिया, क्या आपका आधार दिखाइए, और आधार जो है आपका कब का बना हुआ है, आप इससे ये क्वेश्चन करें। और वो बताते हैं कि अगर आधार हमारा बने हुए काफी समय हो गया, तो आधार से आप ये भी चेक करो कि उन्होंने जो डोमिसाइल बनवाया या कोई भी सर्टिफिकेट आपके यहाँ बनवाने लोग आते हैं, तो वो आधार और डोमिसाइल में कोई मिसमैच चीजें हैं, तो आप उनको कन्विंस करिए कि आपने डोमिसाइल बनवाया है उसमें तो आपका नाम ये है, लेकिन आपका जो आधार है उसमें नाम कुछ और है, तो क्यों ना आप इसको भी, आप अपने आधार को भी जो आपका डोमिसाइल है उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो जो डोमिसाइल बनवाया है तो इसका यूज करेंगे, और यूज करने जाएंगे तो फिर वहां पे आधार मांगा जाएगा, तो आपका डोमिसाइल में नाम कुछ और रहेगा, आधार में कुछ और रहेगा, तो फिर आप उस स्कीम का लाभ नहीं ले पाओगे, तो फिर डोमिसाइल बनवाने का कोई मतलब भी नहीं है आपका, अगर दोनों चीजें आप अलग अलग मिसमैच डेटा के साथ में लेके घूम रहे हो। और डोमिसाइल आजकल सभी को, BLE भाई को दोबारा मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिनको कि आप ID एड्रेस बुक दोनों के रूप में ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक आपके पास सामने जो चैलेंज है कि वो डॉक्यूमेंट क्या लेके आए, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास में अवेलेबल रहेगा। बस जरूरत है हम लोगों को जो रेजिडेंट्स हमारे सेंटर्स पे आ रहे हैं उनको अच्छे से समझाने की, मिसगाइड ना करें कि अरे नहीं कराओगे तो ये हो ही जाएगा, ये लैंग्वेज नहीं यूज करनी, ये हो सकता है ये बोलना है, क्योंकि ये एक वॉलेंट्री है, मैंडेटरी अभी इसको नहीं बोला गया, वॉलेंट्री चीज है। तो हम लोगों को सुझाव सलाह देनी है लोगों को, वो कन्विंस होते हैं तो वो कराएंगे इसको, ठीक है। कर कैसे सकते हैं, उसके लिए हमारे UCL सेंटर जितने भी BLE भाई काम करते हैं UCL पे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है तो आपके सॉफ्टवेयर में ये फीचर एड ऑन किया गया है। आप लोग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके, और आधार जैसे कि आप डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, जब इस पे क्लिक करते हैं तो सिंपल वही विंडो खुलती है। और आजकल आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था, आप लोग बार बार हमसे ये कह रहे थे कि सर 10 साल का हो गया है या फिर जिसके कराने हैं पता कैसे लगे, तो उसके लिए भी UIDAI ने अपना जो अभी वर्जन अपडेट हुआ है उसमें चेंजेस किए हैं। और आप लोग जब भी आधार कार्ड नंबर डाल रहे होंगे, चाहे उसका डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो उससे पहले एक पॉपअप आ रहा है, उस पॉपअप में आपको आधार नंबर एंट्री करनी है, और आधार नंबर एंट्री करने के बाद जब आप सबमिट करते हो तो इस तरह से एक मैसेज शो करेगा, जिन रेजिडेंट्स के आधार अपडेट करने की जरूरत है, जिन रेजिडेंट्स के आधार पुराने बने हुए हैं, जो बात कर रहा था मैं कि कैसे चेक करें हम, हाउ टू चेक, तो हम ये आप उसमें आधार नंबर डाल के और सबमिट पे जब क्लिक करेंगे, तो ऐसे रेजिडेंट जिनको की डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत होगी, तो वहां पे ये मैसेज आएगा, दिस आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब सिंपल यही है कि जो रेजिडेंट है उसको अपने आधार में ID प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है। इस मैसेज को आप लोग जो है पढ़ें सावधानी से, और रेजिडेंट को भी पढ़ाएं। अब ये जो बात हो रही है यहाँ पे कि ये आया है तो
कैसे आप उसको आगे कन्विंस करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। और इसको जरूरत किसको होगी, जैसे मान लीजिए काफी रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो कि केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने आते हैं, बात ये भी है ना कि वो क्यों कराएगा आपके पास में आधार नंबर चेक। तो एक तो पहले मैंने आपको भी पीछे बताया कि आपके यहाँ पे जरूरी नहीं कि आधार का काम कराने कोई आया हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और कोई काम कराने आया था, तो आप उससे आधार के लिए बात करिए, पूछिए उसका आधार कब का बना हुआ है। वो बोलता है कि काफी समय हो गया उसको, लेकिन आइडिया नहीं है कितना समय हो गया। आपके पास यूसीएल सॉफ्टवेयर है, तुरंत आप यूसीएल सॉफ्टवेयर में उसका आधार नंबर डालिए। अगर ये मैसेज पॉपअप आता है तो फिर आप उसको कन्विंस करिए कि आपका आधार मैंने इसलिए पता किया था कितना पुराना बना हुआ हो गया है, क्योंकि आपका आधार काफी पुराना है, लगभग 10 साल पुराना आपका आधार हो चुका है, जिसमें कि यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो सर्कुलर जारी हुआ है नया, जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आपके आधार में दोबारा से आईडी प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ अपडेट करने की आवश्यकता है। देखिए ये सॉफ्टवेयर बता रहा है, आप ये स्क्रीन दिखाइए रेजिडेंट्स को, ठीक है। अगर रेजिडेंट ठीक ठाक पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं तो इसको समझेंगे, और आपको अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट अपडेट कराएंगे। दूसरी चीज, जो रेजिडेंट केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने आते हैं, मान लीजिए मोबाइल नंबर लिंक कराने आए, तो पहले आपने मोबाइल नंबर लिंक करने से पहले वो पॉपअप आएगा, आप आधार नंबर डाल के उसका चेक कर लोगे, ये मैसेज आया, तो रेजिडेंट को आप बता दोगे कि मैं मोबाइल नंबर तो लिंक कर रहा हूँ आपका, ठीक है, आपके आधार से मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, लेकिन आपके आधार में ये मैसेज आया है, क्या आप आईडी एड्रेस प्रूफ लेके आए हैं अभी? वो बोलता है हाँ मेरे पास में आईडी एड्रेस प्रूफ के रूप में उसका, चाहे वोटर आईडी की बात करें, वोटर आईडी है या और भी कोई डॉक्यूमेंट है आईडी एड्रेस प्रूफ उसके पास में, अगर वो उसी समय लेके आया है, तो फिर आप उसको बोलेंगे कि ये मोबाइल नंबर मैं लिंक कर देता हूँ, लेकिन आप ये भी करा लो क्योंकि मैसेज आ रहा है ये, ठीक है। तो आप लोग पहले उसका मोबाइल नंबर लिंक करिए, जो नॉर्मल हम करते हैं डेमोग्राफिक अपडेट प्रोसेस के थ्रू, और फिर उसका अगर उसके पास में आईडी एड्रेस प्रूफ है तो उसी समय कर दीजिए दूसरा एनरोलमेंट, क्योंकि एक साथ नहीं होगा, क्योंकि आप फिर क्वेश्चन करोगे कि दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, नहीं, डॉक्यूमेंट अपडेट और मोबाइल नंबर अपडेट दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रोसेस है, दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो एक अलग डिफरेंट प्रक्रिया है, ये अलग डिफरेंट प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो आपने मोबाइल नंबर लिंक कर दिया, फिर एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ लेके उसके डॉक्यूमेंट अपडेट भी कर दिए। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोग केवल नाम में या फिर पता से संबंधित कुछ एक चेंजेस कराने आते हैं, तो यहाँ पे जो बात हो रही है डॉक्यूमेंट अपडेट की, वो केवल ऐसे लोगों के लिए हो रही है जिन्होंने आधार बनवाने के बाद में कभी भी कोई डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट नहीं कराई थी, चाहे पहले या आज वो आया था, ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपलोड करना है। अब मान लीजिए आज की डेट में वो कुछ काम कराने आया है, आईडी एड्रेस प्रूफ से संबंधित कुछ भी उसने अपडेट कराया है, तो इसका मतलब फिर तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ लेके आया होगा, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके आया है तो फिर डेमोग्राफिक डिटेल जब आप अपडेट करोगे तो बाई डिफॉल्ट आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लोगे उसके अपडेट हो जाएंगे, तो फिर उसको अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड कराने की जरूरत नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने केवल या तो मोबाइल नंबर लिंक कराया आधार बनने के बाद और 10 साल हो चुके हैं, या फिर कुछ नहीं कराया, मतलब डेमोग्राफिक डिटेल में से संबंधित कोई चेंजेस नहीं कराए, क्योंकि मोबाइल नंबर में कोई डॉक्यूमेंट यूज होता नहीं है। ये एक्सरसाइज इसलिए हो रही है कि लोग रेजिडेंट्स अपने आधार में डॉक्यूमेंट्स जो उनके प्रेजेंट टाइम में है उनसे अपडेटेड रखें अपने आधार को, ठीक है। बाकी प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपडेट का भी सेम वही है, आधार नंबर डालते हैं, डालने के बाद में आप उसकी डिटेल फेच करते हो, डिटेल फेच होने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसकी डेमोग्राफिक डिटेल्स जो है, उसके नाम क्या है, इस चीज को आप उसके डॉक्यूमेंट जो वो लेके आया है, रेजिडेंट्स जो लेके आए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स आईडी एड्रेस प्रूफ, उससे मैच कर लो कि उसकी डेमोग्राफिक डिटेल जो आधार में आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, आईडी प्रूफ जो ले रहे हो आईडी प्रूफ के अनुसार उसका नाम है, जो एड्रेस प्रूफ ले रहे हो उसका पता उसके अनुसार है। अगर कहीं कोई मिसमैच है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर मिसमैच वाले डॉक्यूमेंट्स आप लोग यूज करोगे तो फिर वहां पे जो है डॉक्यूमेंट एरर में काउंट होगा वो, ठीक है। हाँ, कुछ एक चीजें जरूर, अभी एक अमेंडमेंट किया था डॉक्यूमेंट अपडेट से संबंधित जो चीजें आई थी, हमने आपके बीच में सर्कुलेट भी की थी कि हाँ कुछ माइनर प्रोनंसिएशन से संबंधित नाम में कुछ एक अगर मिस्टेक्स हैं तो ऐसी चीजों को हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, प्रोनंसिएशन से संबंधित क्या सर्कुलर जारी हुआ था, जैसे मान लीजिए किसी का नाम प्रीति है तो पी आर आई टी आई भी लिखते हैं, पी आर डबल ई टी आई भी लिखते हैं, तो अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट और उसके आधार में कुछ मिसमैच है तो इस तरह के प्रोनंसिएशन से संबंधित चेंजेस जो है आईडी प्रूफ के रूप में आप नाम में अगर है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि पूरा नाम ही अलग है तो फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, आप उसको फिर जो है
कन्विंस करेंगे कि आप इसमें डेमोग्राफिक अपडेट कराइए, ठीक है, आपका नाम गलत है इसमें, आपका पता ही पूरा अलग है, तो फिर आप एड्रेस डेमोग्राफिक अपडेट के थ्रू जब आप वो कर दोगे तो फिर उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो डेमोग्राफिक अपडेट कराने अपडेटेड रखने की क्यों जरूरत है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की क्यों जरूरत है, उस पर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से ब्रीफ किया। और सभी से अनुरोध है कि आप डीएली भाई जो भी इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है आप ये, क्योंकि काफी समय से इस पे लगातार यूआईडी आरओ से भी फॉलो हो रहा है, हेडक्वार्टर से भी फॉलो हो रहा है, और जो हमने जिस लेवल पे काम किया है, जिस लेवल पे हमारा और यूआईडी का साथ रहा है, सभी बीएली भाई प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 डेमोग्राफिक के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट अपलोड दोनों ये ट्रांजेक्शन करिए, क्योंकि पिछले कुछ एक समय से बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि कोई काम कराने आएगा, डॉक्यूमेंट अपडेट कराने आएगा, तभी करेंगे। तो इस टेंडेंसी पे आप लोग काम मत करिए, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। यूआईडीआई को हमसे बहुत उम्मीद रहती है हमेशा से कि हम लोग प्रचार प्रसार करने में या फिर ग्राउंड लेवल तक चीजों को ले जाने में हेल्प करते हैं और फिर उसके बाद में काम करके देते हैं। तो सभी बीएलई भाई प्रचार प्रसार करें, जो भी पोस्टर या फिर आप लोग लोकल मीडिया में भी अपना जो है वो दे सकते हो अपने सेंटर के साथ में, और कुछ अच्छी एक्टिविटी और अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं आपके, आप कर रहे हो फील्ड में, तो वो हमारे साथ साझा भी करें। जैसे कुछ बीएलई भाई साझा हमारे साथ में करते रहते हैं, तो कुछ अच्छी एक्टिविटीज को भी साझा करें, जिससे कि और बीएलई भाई भी मोटिवेट हो कि वो कैसे कर पा रहे हैं और दूसरे लोग क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि स्कोप की अगर बात करें डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए, तो बहुत बड़ी संख्या में आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं, इसकी जो फिगर्स हैं जो बताई गई हैं यूआईडीआई के अनुसार, तो काफी लोगों के आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है। बस जरूरत क्या है, हम लोगों को अपने आप को अपडेट करने की और लोगों को बता के समझा के उनका काम करने की। बस आप लोग रही रेंट के साथ व्यवहार अच्छा रखो, जो रेट निर्धारित शुल्क है डेमोग्राफिक अपडेट और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए भी 50 रुपए ही निर्धारित किया गया है, तो 50 रुपए ही लें। जो रेजिडेंट आते हैं उनका आप जो है उनको उनके साथ उचित व्यवहार के साथ में काम करिए, मिसगाइड ना करें, सही जानकारी दें उनको, रेट जो निर्धारित है वो लें और अपना सेंटर नियमित खोलें। ये भी देखने में आता है कि कुछ भी अली भाई हमारे जो इसे सेंटर चला रहे हैं वो आज काम करते हैं तो कल नहीं करते हैं, कल करेंगे तो परसों नहीं करेंगे। आप लोग यूसीएल पे सप्ताह में 7 दिन मंडे टू संडे, सोमवार से रविवार 7 दिन काम कर सकते हो। इसमें हमने हमेशा से आपको ये क्लियर बताया हुआ है, उसके बावजूद भी ये देखने को मिलता है कि आप लोग संडे सेंटर नहीं खोलते हो। देखिए आप लोग बीएलई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना बिजनेस के साथ साथ में ये भी देखिए कि आधार एक ऐसी सर्विस है जिसके साथ में सर्विस वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, आप यूनिक आइडेंटिटी है, आप हमारे जो और सीएससी सेंटर्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके हैं। क्योंकि अगर बात करें यूपी में तो हमारे लगभग 1.5 लाख सेंटर्स हैं जो कि ऑपरेशनल है सीएससी सेंटर नॉर्मल, उसमें से 20,000 लोग ही हैं जो कि सीएससी के थ्रू बैंक बीसी हो पाए आज तक, और उनमें से हमको जो यूसीएल का है वो भी एक लिमिटेशन है, उनमें से हम जो टारगेट यूआईडीआई के द्वारा दिया गया है लिमिटेड लोगों को ही यूसीएल की सर्विसेज दे सकते हैं। तो फिर जिसको मिल जा रही है वो अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, नियमित काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की बात हो रही है, क्वालिटी वर्क करें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर लें, रही सेंटर के साथ में व्यवहार अच्छा रखें, जो रेट निर्धारित है वो शुल्क लें और अपना सेंटर डेली खोलें। डेली खोलना है सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक आप आधार का कार्य कर सकते हो, ठीक है। आप सुविधाजनक तरीके से काम कर सकते हैं सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, इसकी टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी। एक तो दिन 7 दिन काम करिए आप, और दूसरा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक काम कर सकते हैं। बार बार आप लोग क्वेश्चंस करते हैं इस चीज को, मैंने इसलिए दोबारा से दोहराया, और कुछ एक एक्टिविटीज हम लोग डेली मॉनिटर कर रहे हैं कि कितने भी एलिज हैं जो कि डेली जो है नियमित काम करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने जो फिगर आउट की है चीजें, लगभग 70% ही हमारे ऑपरेटर्स हैं जो डेली काम करवा रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हम काम कर रहे हैं, हमें जिम्मेदारी जो दी गई है उसका निर्वहन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट नहीं कि आज कर लिया कल कर लिया, अब जरूरत हमें थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथन करने की है, जो रेजिडेंट है उनको रेगुलर वहाँ सर्विस मिल पाए। तो प्लीज आप लोग सैटरडे संडे भी सेंटर अपने नियमित खोला करें जैसे डेली खोलते हैं। हाँ, कभी किसी को कोई समस्या है वो चीज अलग है, देखिए प्रॉब्लम हर किसी को आ सकती है, किसी फैमिली में कोई इश्यूज है या उसका कोई पर्सनल कोई
हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आप उसके लिए जो है सेंटर एक दो दिन कभी बंद कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आपने वीकली उसको बनाया हुआ कि संडे बंद रखेंगे हम सैटरडे काम नहीं करेंगे, ठीक है। आप इंटरप्रेनर हो, ठीक है, आप बहुत सारी सर्विसेज देते हो सकता है कुछ सरकारी एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो केवल भाई संडे को ऑफ रहता है उनका, वो संडे को काम कराएंगे, बैंक्स में काम होता नहीं संडे को, पोस्ट ऑफिस भी बंद रहते हैं, तो फिर कहाँ काम कराएंगे। इसीलिए हम लोगों को यूसीएल जैसी एक यूनिक सर्विस दी गई है, जो हम अगर अपने बीएलई वाइज की बात करें तो हम लोगों को जो काम दिया गया है बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप लोग काम करते हो, आपको जो भी कमीशन अर्निंग होती है उसके साथ साथ आप सर्विस भी दे रहे हो, लोगों को सुविधा हो पा मिल पा रही है आपके आसपास, उनके आसपास ही आप उनको सर्विस दे पा रहे हो। तो प्लीज सभी लोग नियमित काम करें और अपने जो एनरोलमेंट काउंट है उस पर फोकस करें, और एनरोलमेंट काउंट बढ़ाने के लिए अभी जो हमारे पास में सबसे मेन मैकेनिज्म है वो है डॉक्यूमेंट अपडेट। डॉक्यूमेंट अपडेट पे हमारे पास में बहुत पूरा ओपन स्पेस है। आप देखोगे तो ज्यादातर रेजिडेंट्स जो आपके यहाँ आते हैं, चाहे वो भले कोई भी काम कराने आ रहे हैं, उनसे आधार पता करिए और उनका चेक करके डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए सजेस्ट करिए। एक थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको दो मिनट के लिए एक और बता देता हूँ। जितने भी ऑपरेटर्स या फिर सुपरवाइजर्स हैं जिनके पास में ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है, यूआईडीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग सामने आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है अभी, जो ऑपरेटर जनवरी 2011 से पहले सर्टिफाइड है, चाहे वो सिफी के हो या फिर एनएससीईआरटी से सर्टिफाइड हो, ऐसे सभी ऑपरेटर्स या सुपरवाइजर्स को दोबारा से 1 मई 2023 तक अपने आप को एग्जाम में रीअपियर होना है, मतलब उनको एनएससीईआरटी का सर्टिफिकेशन दोबारा करना है, ठीक है। आप स्क्रीन पे सारी डेट्स देख लीजिए, 2011 से 13 के बीच के जो सर्टिफाइड है वो 1 अगस्त 2023 तक, 2014 से 16 के बीच में जिन लोगों ने एग्जाम पास किया था वो 1 नवंबर 2023 तक, 2017 से दिसंबर 2019 तक जिन्होंने एग्जाम पास किया था वो 1 फरवरी 2024 तक, और जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक के बीच के जो लोग हैं वो 1 मई 2024 तक अपने आप को दोबारा से सर्टिफाइड कर लें एग्जाम में एनएससीईआरटी के, दोबारा से अपीयर हो जाए। नहीं तो उन्हें आने वाले समय में आधार अगर वो चला रहे हैं तो वो उनका वो बंद हो जाएगा, और अगर सोच भी रहे आधार नया यूसीएल लेने का तो ऐसे सभी जो भी इस टाइम पीरियड में सर्टिफाइड ऑपरेटर्स या सुपरवाइजर्स हैं उनको इस जो टाइमलाइन दी गई है इससे पहले दोबारा से एग्जाम में रीअपियर होना है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखते हैं तो आने वाले एक साल के अंदर सभी जितने भी पुराने ऑपरेटर्स हैं उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा, और ये प्रोसेस जो है आने वाले इन फ्यूचर भी कैरी ऑन रहेगा। साल 3 साल में एक बार एग्जाम दोबारा से देना हुआ करेगा जो भी ऑपरेटर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, जिनके पास में ऑपरेटर का है या फिर सुपरवाइजर का किसी का भी कोई भी सर्टिफिकेट है, सभी को 3 साल में एक बार दोबारा से एग्जाम देना हुआ करेगा। ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, इसलिए की जा रही है क्योंकि देखिए आप आधार के इकोसिस्टम में एक वो कड़ी है जो कि लोगों के आधार बनाने में या अपडेट करने में बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे आप मदद करते हैं। मदद करने का मतलब आपके पास में अगर जानकारी, आप जो जैसे किसी को अगर आधार बनवाना है तो आप एनरोलमेंट फॉर्म चेक करते हो, उसके डॉक्यूमेंट चेक करते हो, उसके बाद सॉफ्टवेयर में आप एंट्री करते हो, ठीक है। तो जो गलतियां हैं वो किसी भी लेवल पे हो सकती हैं। आपकी नॉलेज अपडेटेड रहे, आप खुद अगर जानकारी रखेंगे प्रॉपर तभी जो है आधार लोगों के अपडेट सही से कर पाएंगे, या फिर आधार एनरोलमेंट नया भी किसी का कर रहे हैं तो वो कर पाएंगे। इसलिए इस चीज को एक्सरसाइज को किया जा रहा है कि समय समय पे आप लोग जो है एग्जाम में, 3 साल का भी स्लैब रखा गया है कि 3 साल में एक बार एग्जाम दोबारा देना हुआ करेगा, जिससे कि चूंकि आप एनएससीईआरटी का जब एग्जाम देते हो तो उससे पहले कुछ एक मॉड्यूल्स हैं जो कि आप लोग क्लियर करते हो, टेस्टिंग के कुछ मॉड्यूल्स हैं, आप उनकी पढ़ाई करते हो, उनको क्लियर करने के बाद में एग्जाम देने जाते हो, ठीक है। तो एनएससीईआरटी से आप दोबारा से जो है अप्लाई करके उस पे पोर्टल पे और एग्जाम दे दे। अच्छा, एनएससीईआरटी का जो भी हम एग्जाम अभी दे रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें भी कुछ एक चेंजेस किए गए हैं। अब एग्जाम अप्लाई करते समय, उससे पहले क्या होता था कि आपने अपना यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड बनाया और सिंपल सा स्लॉट बुक करके आप एग्जाम देने चले जाते थे, चाहे उसके बाद में आप किसी भी कंपनी से काम करें, किसी भी संस्था से काम करें, किसी भी एनरोलमेंट एजेंसी के साथ में काम करें आप, ठीक है। आपको उससे पहले कंसल्टेशन या फिर उससे जो है संपर्क नहीं करना होता था जिसके साथ आप काम करने जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब ये चीज कर दी गई है कि जो भी सुपरवाइजर या ऑपरेटर हैं वो एग्जाम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें पहले एक ऑथराइजेशन लेटर
जो है वो आपको अपलोड करना होगा, पोर्टल पे भी अपलोड करना होगा। जब आप एग्जाम में अपियर होने जाएंगे तो फिर आपको ये जो ऑथराइजेशन लेटर है इसकी हार्ड कॉपी लेके जाना होगा। आप एडमिट कार्ड लेके जाओगे और एडमिट कार्ड के साथ में ये भी लेके जाओगे, आधार कार्ड लेके जाओगे। ये डॉक्यूमेंट जब आप ऑथराइजेशन लेटर लेके जाओगे तभी आपको वहां पे एग्जाम में अपियर होने दिया जाएगा, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ये ऑथराइजेशन लेटर आप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पे डीएम डीसीज हैं, जनपद टीम है हमारी, आप उनसे प्राप्त कर सकते हो। हमने उनको जो है इसके बारे में बता दिया है और आप उनसे संपर्क करके आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कहीं पे भी फोन नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है आपको। आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही अपने जो हमारी जनपद टीम है सीएससी की, डीएमडीसीज है, उनके माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं और अपना एग्जाम दोबारा से अप्लाई करते हुए इसको पास कर लीजिए। तो आज के फेसबुक लाइव सेशन में मैंने आप